हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटिंग ईडीयू। ये हमारा करंट अफेयर्स एमसीक्यू का पार्ट टू है फॉर आईपीएस क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के लिए। इसके पहले मैंने एक और पार्ट को डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें एंड हमारे वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट iitkedu.iitk.in और iitk.in से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट टाइटल्ड इन द डार्क, हाउ मच डू पावर सेक्टर डिस्टॉर्शंस कॉस्ट साउथ एशिया बाय वर्ल्ड बैंक, एफिशिएंसी गैप इन इंडियाज पावर सेक्टर विल कॉस्ट द इंडियन इकोनॉमी हाउ मच परसेंट एवरी ईयर। हमारा आंसर होगा 4%। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि इन द डार्क हाउ मच डू पावर सेक्टर डिस्टॉर्शन कॉस्ट साउथ एशिया। ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी दिया है? तो हमारा आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट MORI पेरिल्स ऑफ परसेप्शन सर्वे 2018, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मिस परसेप्शन इंडेक्स। हमारा आंसर होगा 12th। मिस परसेप्शन इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? तो 12th है। और ये किसका रिपोर्ट है? तो MORI पेरिल्स ऑफ परसेप्शन सर्वे हुआ था 2018 में। इसके अकॉर्डिंग भारत का जो मिस परसेप्शन इंडेक्स है उसमें जो रैंक है भारत का वो 12th है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रैंकिंग रिलीज बाई फीफा विच कंट्री टॉप द लिस्ट। हमारा आंसर होगा बेल्जियम। फीफा ने एक ग्लोबल रैंकिंग जारी किया है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा देश है हमारा वो टॉप पर है? तो हमारा आंसर होगा बेल्जियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज लॉन्च्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट विथ एन एम टू प्रोटेक्ट विच रेंज ऑफ स्पेसीज। हमारा आंसर होगा एशियाटिक लायन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अलॉन्ग विथ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एट ग्लोबल एविएशन समिट 2019। हमारा आंसर होगा गैस 2019। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF विच प्लेस इज वर्स्ट इन द वर्ल्ड। हमारा आंसर होगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2018 RBI लिमिटेड टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ECB टू हाउ मच परसेंट ऑफ GDP। हमारा आंसर होगा 6.5%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिसेंटली राइटर प्रभंजन पास्ड अवे, ही वॉज द राइटर ऑफ विच लैंग्वेज। हमारा आंसर होगा तमिल। प्रभंजन, जिनकी हाल में ही मृत्यु हो गई, वो एक राइटर थे, वो किस लैंग्वेज में लिखते थे? तो वो तमिल में लिखते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिसेंटली दीपाली बो ठाकुर पास अवे, सी वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। हमारा आंसर होगा सिंगर। दीपाली बो ठाकुर, जिनकी हाल में ही मृत्यु हो गई है, वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थी? तो वो सिंगर थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सेवी चीफ विजिलेंस ऑफिसर। हमारा आंसर होगा आरती छाबरा श्रीवास्तव। आरती छाबरा श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है न्यू सेवी चीफ विजिलेंस ऑफिसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू USA। हमारा आंसर होगा हर्षवर्धन सिंगला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू ओमेन क्रिकेट टीम हेड कोच। हमारा आंसर होगा WV रमन। WV रमन को अपॉइंट किया गया है न्यू ओमेन क्रिकेट टीम हेड कोच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियाज फॉर्मर वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन अनूप कुमार अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। हमारा आंसर होगा कबड्डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक
द चेंजिंग इंडिया, हमारा आंसर होगा मनमोहन सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिलीज्ड अ पोस्टेज स्टाम्प ऑन विच पर्सनालिटी इन न्यू दिल्ली रिसेंटली, हमारा आंसर होगा राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड द यूएन ह्यूमन राइट्स प्राइज फॉर 2018, हमारा आंसर होगा असमा जहांगीर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हाउ मच ईयर्स विल इट टेक फॉर वोमेन टू अर्न एज मच एज मैन, हमारा आंसर होगा 202 ईयर्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट के अनुसार वोमेन को कितना समय लगेगा मैन के बराबर कमाने में, हमारा आंसर होगा 202 साल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएम चार्ल्स माइकल अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही वॉज द फॉर्मर पीएम ऑफ विच कंट्री, हमारा आंसर होगा बेल्जियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच एप्लीकेशन वॉज लॉन्च्ड इन बिहार टू फाइट द रैम्पेंट सोशल इविल ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड सेक्सुअल हरासमेंट, हमारा आंसर होगा चुप्पी तोड़। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है हमारा कि चुप्पी तोड़ एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, किस स्टेट में किया गया, तो बिहार में किया गया। किस चीज के लिए किया गया, टू फाइट द रैम्पेंट सोशल इविल ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड सेक्सुअल हरासमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रोल्ड आउट मोबाइल ऐप शिक्षा सेतु, हमारा आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट्स रूल वॉज इम्पोज इन विच ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम 20 दिसंबर 2018, हमारा आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री रिटेन हाईएस्ट एविएशन सेफ्टी रैंकिंग अकॉर्डिंग टू फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है फा, हमारा आंसर होगा इंडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018, हमारा आंसर होगा 108। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 में भारत का क्या रैंक है, तो 108 है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 जो है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इशू किया, तो हमारा आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु विल हेड द कमिटी दैट हैज बीन फॉर्म्ड फॉर कैडर रिव्यू एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हमारा आंसर होगा एसके दास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर इसरो लॉन्च्ड इट्स विच मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, हमारा आंसर होगा GSAT-7A। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा हमारा कि श्रीहरिकोटा किस स्टेट में है, तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज वेलकम्ड बाय इंडिया एज न्यूएस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हमारा आंसर होगा जाम्बिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियाज लार्जेस्ट कैंसर हॉस्पिटल ओपेंड अप इन विच स्टेट, हमारा आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा में इंडिया का लार्जेस्ट कैंसर हॉस्पिटल खोला गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड टू न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इन विच स्टेट, हमारा आंसर होगा तमिलनाडु एंड तेलंगाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइमलेस लक्ष्मण, हमारा आंसर होगा उषा श्रीनिवास लक्ष्मण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इसका शॉर्ट फॉर्म हमारा होता है CBIC, हमारा आंसर होगा प्रणब कुमार दास। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करें, हमें शेयर करें एंड हमें लाइक करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।